सतगुरु की कृपा न बरसे असंभव असंभव असंभव। किसी ने कहा कि ब्रज में रहने से प्रभु के दर्शन होते हैं, तो किसी ने कहा कि काशी के अंदर मरने से मोक्ष होता है, किसी ने कहा हरिद्वार में गंगा नहाने से मुक्ति होती है, तो किसी ने कहा कावेरी से रुद्राभिषेक करने से मुक्ति होती है। लेकिन मेरे भाई बहन, यूं तो हजार लोग नहाते हैं गंगा में जाके हर रोज, यूं तो हजारों लोग नहाते हैं गंगा में जाके हर रोज, अगर मन पवित्र ना हो तो गंगा का पानी भी पवित्र नहीं है। निर्भर है आपका उद्देश्य कैसा है। ब्रज की रज में रह करके भी अगर निष्काम भाव से सेवा करते हो तो बिहारी मिलेगा, और उस धरा पे जाकर अगर दूसरे कार्य करते हो तो ऐसा फल देगा। जैसे कर्म वैसे फल। मानव के कर्म कितने, प्रारब्ध, सिंचित और वर्तमान। हम जो भोग रहे हैं ये हमारे प्रारब्ध का फल है। आज जो कर्म कर रहे हैं वो वर्तमान है। ये जब सिंचित होगा इससे निर्माण होगा आपके सुंदर भविष्य।
अगर हम सही दिशा में सही समय पर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। बाकी हम रात दिन प्रयत्न करते रहें और सही दिशा में प्रयत्न करें तो निरर्थक सार्थक होगा। कि किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता, किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता, जिसे है मौत की चाहत उसे जीवन कहाँ मिलता। तो ब्रह्मांडपुरी कौन है जग में, ब्रह्मांडपुरी कौन है जग में जिसे सब कुछ दिया प्रभु ने, किसी को गुण नहीं मिलता किसी को धन नहीं। क्योंकि चिंतन चित्त का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। जैसे धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म चर्या का विषय है। चर्चा है तो रोज करते हैं पर चर्या में कितनी लाते। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। ऐसे चिंतन चित्त का विषय है। चित्त से चिंतन करोगे सुंदर चरित्र होगा, अनुराग आ जाएगा, अनुराग से वैराग आ जाएगा, वैराग से भक्ति की प्राप्ति होगी और भक्ति महारानी की कृपा पा करके आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन श्री गणेश तो सिर्फ चित्त से होता है, चित्त से ही चिंतन होता है। चित्त और वृत्ति ये दोनों बड़ा ही महत्व रखते हैं इस जीवन के अंदर। व्यक्ति के तीन प्रमुख शक्ति हैं, इस जीवात्मा के तीन प्रबल शक्ति हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का कार्य है विचलित करना, बुद्धि का कार्य है स्थिर रखना और संस्कार सबका मुखिया है। मन बुद्धि और संस्कार, मन विचलित तो होता है। एक जगह एक प्रमाण आया रामायण में, कथा के चलने से पहले कुछ गुप्त चीजें बता दें, क्योंकि श्रीमद् भागवत या राम कथा पूरी कोई भी साधक सुन नहीं पाते, उनके पीछे क्या है कर्मों की जंजीरें भी हैं। तो मेरा गीत है अक्सर गाया करता हूँ मैं कि माना ये जीवन तेरी छाव में भगवान, पर कर्मों की जंजीरें हैं पाँव में भगवान। कोई बच ना पाएगा कर्मों के भोग से, हर प्राणी जीता है अपने संयोग से, हम आवागमन की बैठे हैं नाव में भगवान। यहाँ फैला हुआ भगवान तेरा संसार है, इस सारी दुनिया का एक तो साहूकार है। यहाँ फैला हुआ भगवान तेरा संसार है, इस सारी दुनिया का तू साहूकार है, हमको बेचा है तूने किस भाव में भगवान, पर कर्मों की जंजीरें हैं काम। एक भक्त भगवान के मंदिर में पहुंचता है श्री हरि विष्णु के, और उसने भगवान के मंदिर में चंद सिक्के चढ़ा दिए। तिवारी जी ध्यान जाऊंगा, चंद सिक्के चढ़ा दिए और थोड़ी देर बाद वो चंद सिक्के उठा भी लिए। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अगर चढ़ाना नहीं था देना नहीं था तो चढ़ाया ही क्यों। आज भक्त ने बहुत बड़ी बात कह दी। आज भक्त ने कह दिया कि रत्नम किं त्वम् अर्पिते रत्न सागरे तव गृहे, रत्नम किं त्वम् अर्पिते, अरे मेरे दयालु मैं आपको रत्न कैसे अर्पित कर दूं। रत्नम किं त्वम् अर्पिते, अरे दयालु मैं आपको रत्न कैसे अर्पित कर दूं। रत्न सागरे तव गृहे,
जहाँ से सारे रत्न निकले वहाँ तो आपका घर है महाराज। और जिस लक्ष्मी को पाने के लिए हम लोग रात और दिन परिश्रम करते हैं, वो लक्ष्मी आपके चरण दबाती है। भाव देखिए भक्त के, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए हम रात और दिन तड़सते हैं वह लक्ष्मी आपके चरण दबा रहे हैं। फिर भी मैं अगर आपको लक्ष्मी देता हूं, इस धन का दान करता हूं, तो सूर्य के समक्ष दीपक लगाने वाला मुहावरा सिद्ध होगा महाराज। इसलिए मैं आपको ये नहीं दूंगा दयालु, मैं तो आपको वो दूंगा जो आपके पास भी नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही है भक्ति की, प्रभु के चरणों में जब तक करुणता नहीं होगी ना तब तक आनंद नहीं आता। भाव ऐसे हो कि जब घर से निकले बड़ा प्रश्न लेकर निकले भगवान के सामने कि भगवान मैंने बहुत कुछ किया, तूने धन नहीं दिया, धर्म नहीं दिया, लेकिन जब बिहारी के नेत्रों से नेत्र मिले ना तो सब कुछ भूल जाओ। अपने नेत्रों में सिर्फ करुणा में आंसू जिस दिन आ जाए उस दिन प्रभु की कृपा मिल गई, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यहां आकर के भी याद है अगर तो शायद अभी हमारे मन पर सत्संग की डोर और सदगुरु की कृपा नहीं है। भक्त ने कहा महाराज मैं आज आपको वो दूंगा जो आपके पास भी नहीं है। अटपटा लगता होगा ना, एक भक्त ने भगवान से कह दिया आपके पास वो भी नहीं है। बात्सल्य बुद्धि है, भगवान के आगे प्रमाणित कर रहा है, कहता महाराज आप कौन है, जगत पिता और आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा कौन है, मां जानकी, आप अपने घरों में अनुभव लीजिएगा। जब तक घर में बाल गोपाल का आगमन नहीं होता है ना तब तक बड़ा कोऑपरेशन मिलता है। जिस दिन घर में कन्हाई आ जाता है ना उस दिन प्यार बट जाता है। आज भक्त ने वही बात कही कि महाराज जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे जानकी की खोज करने तो जानकी से कहा था कोई संदेशा है क्या प्रभु से कहने के लिए, तो जानकी ने क्या कहा था, सुंदर कांड की सुंदर पंक्तियों से प्रमाणित जानकी जी ने कहा था कि सदैव रहता है कहां, तो ही पाई, तो ही ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, क्योंकि राम के शब्द पे तो ही लिखा गया अस्तु सर्वनाम हो गया। किसी स्थान भाव वस्तु को जिसे शब्द से संबोधित करते हैं उसे संज्ञा या नाउन कहते हैं। मम मन सदा सत तो ही हनुमान, जाके राम से कह देना मेरा मन सदैव आपके पास रहता है। जानी प्रीति रस यतनिय माही, प्रीति की रीत मान लेनी। अब वो वात्सल्य भाव में भक्त भगवान से कहता है दयालु
आप जगत के पिता हो और आदि शक्ति जगत जननी है। आपका मन जगत जननी के पास और जगत जननी का मन भक्तों के पास, अस्तु परमात्मा आपके पास मन नहीं है, इसलिए तीव्र गति पवन से भी बढ़कर भागने वाले मन की डोर मैं आपके चरणों में बांध लूंगा, यही मेरा दान होगा महाराज। बांधा था पर भाग गया, बांधा था पर भाग गया। मन कितने जगह भागते हैं, गिरना उंगलियों पे विद्वान बंधु है कथा सुनते रहते हैं। मन कितने जगह भागता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, पांच तन धन कहते प्रभु आपकी चरणों में डोर बांधी लेकिन मन भागता कहां। जननी मेरे पिता, जननी यानी माँ, जनक यानी पिता, जननी जनक बंधु मेरा भाई, सुत बेटा, दारा परिवार, तन ये सुंदर शरीर है, आयुर के क्रीम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, अरे यार गुड़ की सुंदरता क्या है, सुंदरता किसी काम की नहीं, अगर उस सुंदरता में होता तो कन्हैया के दीवाने लोग नहीं होते। गुणों की सुंदरता होती है तन, ये शरीर की सुंदरता। कहे एक दिन घर से निकले, मन में कुछ अरमान थे और एक तरफ पक्की इमारत एक तरफ शमशान थे, पांव से टकराई हड्डी जिसके ये बयान थे, पांव से टकराई हड्डी जिसके ये बयान थे, चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान। हुस्न तेरा है सनम एक दिन फना हो जाएगा, वो खाक छन छन के गिरे मैला कफन तुमके। तन के पीछे भागते धन माया, भवन सुंदर बंगले चाहिए, ये नौ जगह मन भागता है। वो स्वामी जी ने अपने काल्पनिक पत्तियों में दर्शाया है कि अगर प्रभु को पाना है तो क्या करना है, कितना किया ममता सब की एक डोर बना लो और प्रभु चरणों में बांध दो, गोपार हो जाए। ये तन किसने दिया उसका आभार प्रकट करो, यही भाव था। कल आपने श्रवण किया है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म होते ही भगवान कृष्ण ने अपनी चार भुजाएं दिखाई है, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान का प्रकट हुआ। देवकी ने निवेदन किया प्रभु कि जय शिशिरीला अति प्रिय शीला तजहु तात यह रूप। भगवान ने कहा मैं वही हूं जिसने तुम्हें वरदान दिया था। माता की बात को सुनकर कन्हैया ने बालक का स्वरूप बनाया है। कहते हैं कि एक समय भारत ने भारत को जीत लियो, एक समय कोल भील लूट लियो बनवा, समय का चक्र है। और एक समय कृष्णचंद्र आधी रात भाग गयो
एक समय कंस को मिटाए दियो उच्छा ना। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लियो, एक समय दसों शीश काट गयो रणमा। कहत विनीत कभी सीख ले तुम इनसे, सूरज के तीन पन होते एक दिन मां। कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ है। कन्हैया जी कहते मां, बस देव जी से कहते मुझे यहां से जल्दी तुम ब्रज में पहुंचा दो, गोकुल में पहुंचा दो, कितनी बड़ी अवस्था होगी। एक माँ ने अपने पुत्र को भी नहीं देखा है और पुत्र कह रहे नहीं मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा दो। बेटा कैसे जाएंगे लल्ला तुझे लेकर के, भादों की अंधेरी रात है, अष्टमी की तिथि है, बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रहा है, तूफानी रात है, बता मेरे लल्ला तुझे हम कैसे ले जाएंगे इतनी तूफान में। और यहाँ तो सारे दरवाजे बंद हैं। महाराज भगवान के एक दृष्टिपात से ही सारे दरवाजे खुल गए हैं। वासुदेव के शरीर पे बंधी हुई सारी जंजीरें टूट गई हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनके दृष्टिपात से जंजीरें टूट गई, जिसके दृष्टिपात से सारे दरवाजे खुल गए, जिस योग माया की कृपा से पहरेदारों को नींद आ गई, क्या इस परमात्मा को यशोदा एक डोरी में बांध सकते? ये तो वात्सल्य और प्रेम था। इसलिए कहता हूँ कि प्रेम की डोर लोहे की जंजीर से मजबूत और रेशम के धागे से नाजुक है मेरे भाई। कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से वो ना जुरे जुरे गांठ। कभी आज लेकर चल रहे हैं अपने पिताजी के आग्रह किया, आज क्या करेंगे? इंसान दुनिया से जीत जाए, पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने कुल के दीपक के लिए वसुदेव लेकर चले। सिर पे वसुदेव जी ने, अब पुरानी व्यवस्था तो ऐसी स्कॉर्पियो शतानी गाड़ी में तो थी नहीं है, टोकरी लिया है, उसमें नल्ला को सुलाया है और लेके चल नगर के बाहर आए। जमुना जी को पार करना है। जमुना जी उत्साहित होकर कल कल कर रही है। अब ये लीला